क्वेश्चन क्वेश्चन आवर के बाद आई विल क्वेश्चन आवर के बाद नहीं क्वेश्चन आवर के बाद नहीं नहीं दूंगी क्वेश्चन नंबर 261 श्रीमती नीलम सोनकर आफ्टर क्वेश्चन आवर आफ्टर क्वेश्चन नीलम सोनकर धन्यवाद अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी ने देश के में कुशल कामगारों की कमी के संबंध में संतोषप्रद उत्तर दिया है आफ्टर क्वेश्चन हमारे प्रधानमंत्री जी कौशल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी योजनाएं ले आए हैं मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे कोई बहुत बड़ी एक संख्या है जो मैट्रिक नॉन मैट्रिक और टेक्निकल मैट्रिक नॉन मैट्रिक बीए एमए पास करने के बाद भी उनका कुशल प्रशिक्षण नहीं हो पाता है मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि हाई स्कूल और कॉलेज के दौरान ही क्या इन बच्चों को टेक्निकल शिक्षा देने के लिए सरकार ने कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत नई नीति बनाई है आप बैठिए प्लीज कर दीजिए मैम ये हमारे देश के सामने एक बहुत ही कठिन समस्या ये है कि लोगों को बढ़ती हुई आबादी के साथ लोगों की बढ़ती हुई उनकी अपेक्षाओं के साथ लोगों की जरूरतें किस तरह से पूरी करें और उनके लिए किस तरह से हम जॉब दे दें इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक अनेक योजनाएँ शुरू किए जिसमें हमारी एक योजना यह है कि 1 करोड़ लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाएंगे और इसलिए प्रधानमंत्री कौशल योजना के द्वारा एक बड़ी मात्रा में जो काम शुरू हुआ है इसमें जिस तरह से हमारे सम्मानित सांसद जी ने कहा उसी तरह से उन्हीं लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई है और मुझे कहने के लिए भी एक अच्छी बात है कि आज हमने जो देखा कि 40% लोग जिनको हमने सिर्फ ट्रैक किया सबको ट्रैक नहीं करते हमारे कौशल मंत्रालय उसको ट्रैक करता है लेकिन सिर्फ जिसको ट्रैक किया गया उसमें से 40% लोगों को पहले 90 दिन में कुछ ना कुछ जॉब भी मिला या उनको कुछ काम करने के मौके भी मिले यह बहुत स्वाभाविक है कि 90 दिन के बाद और लोगों को मिला होगा और जिनको ट्रैक नहीं किया उसमें भी मिला होगा यानी बड़ी मात्रा में योजना सफल तरीके से चल रही है और जिस तरह से आपने पूछा उसी तरह से ऐसे लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार पूरी मात्रा में प्रतिबद्ध है और उसके लिए काफी कदम उठाए जा रहे हैं माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है मैडम मैं इनसे ये भी जानना चाहती हूँ कि देश में जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं सरकारी सेक्टर होते हैं उन सभी जगहों पे जो स्किल डेवलपमेंट का बहुत अभाव होने के कारण वहाँ पे उनका कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं जिस ज़िले से मैं आती हूँ वहाँ पे भी हमारे उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा ज़िला है वहाँ पर 60% हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें भी हैं जो बहुत भागीदारी करती हैं लेकिन उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे कौशल विकास केंद्र का बहुत अच्छा केंद्र नहीं होने के कारण उनको रोजगार की कमी होती है मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि वो सभी बच्चों के लिए और जो हमारी बहनें जो घर से निकल के कार्य कर रही हैं हर जिले में उनका एक बड़ा अच्छा केंद्र हो जिससे उनको स्किल डेवलपमेंट करके वो अपने रोजगार को बढ़ावा दे सकें तो क्या इसमें हमारे मंत्री जी या हमारी सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना बनाई जा रही है कि जिससे जिले में हर जगह पर ऐसा प्रशिक्षण केंद्र खुले और हमारी बहनें हमारे बच्चे उसका लाभ उठा करके अपने देश का विकास में एक कार्य करें अध्यक्ष महोदय ये इसी तरह से कार्यक्रम करने की शुरुआत हमारे कौशल विकास मंत्रालय ने की है इसमें हर जिले में एक न एक इस तरह का केंद्र खुला जाए ऐसी हमारी योजना है काफ़ी जिलों में ये योजना कार्यान्वित भी हो चुकी है जहाँ पर नहीं हुई है वहाँ पर भी राज्य सरकारों के साथ लगातार बातचीत करते हुए हम लोग एक कोशिश करते हुए जारी है कि किस तरह से योजना खुली जाए निजी क्षेत्र में जो आपने सही कहा निजी क्षेत्र में आज 70% से ज़्यादा हमारा देश का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो निजी क्षेत्र में होता है और आपका जो मूल सवाल था उसी बारे में था कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब किस तरह क्रिएट की जाए इसके लिए निजी क्षेत्र के साथ में बैठते हुए भी हम लोगों ने योजना बनाई है 34 ऐसे हम लोगों ने सेक्टर ढूंढे हैं कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा और स्किल देने की ज़रूरत होगी क्योंकि आपने जैसे बिल्कुल सही फरमाया कि जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर उनके लिए कोई उपलब्धि होनी चाहिए इसके लिए जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री है किस तरह से उनको वहीं पर ट्रेनिंग दिया जाए उसके लिए भी निजी क्षेत्र के कंपनियों के साथ बातचीत करते हुए सरकार की तरफ से योजना चलाकर उनको भी एक काम देने की कोशिश चली है
थंबीदुरई जी। मैडम स्पीकर, ऑनरेबल मिनिस्टर इन रिप्लाई सेड दिस सिस्टमेटिक प्रोग्राम व्हाट पर्पस वी हैव एवलुएटेड दिस प्रोग्राम यू आर मेड टू मीट द स्किल डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट फॉर्मेट नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप यू हैव सेड इन दैट and also you have mentioned this policy links skills development to improved employability and productivity but this program is a good program eh? but what is happening in the country you know very well whatever the government says we have increased the productivity more and have also we have reached our high gdp also high level but it's not the correct but most of the industries are closing stage small industries if you take my constituency Karur the famous for textile and mosquito that is mosquito nets developing the program is going on all small scale industries madam but most of the industries closed down because the chinese are dumping that product in our country most of the people are purchasing the only chinese product somehow that is happening our industries are not up to the mark and also if you take bangladesh are dumping their products for this especially in my constituency all the mosquito net product is closed down because of the cheap type they are bringing but our policy I represent many times to the ministry also they must stop this kind of dumping policy and also illegally they are sending the products from Bangladesh to India therefore my conscience is suffering a lot therefore you are telling skill development means you have to give because the quality of the product must be number one that is low in our country nowadays that is why the other countries are dumping their products our people are purchasing and also cost of the product is also very high because of the cost of the product both quality also low and cost is high how can our economy will develop therefore in order to save all industry you have to train the skill development taking the rural people and also most of the engineering college are closing stage now instead of giving a private agency to conduct the skill development program you have to use the infrastructure already existing in the country and see that our quality of the product must be high level and the cost must reduce or the government will take seriously this matter madam that through that I want to know how what is the policy you are going to see that our export and everything will be increased to see reach our economy good say madam I must thank the honorable minister honorable deputy speaker for actually analyzing the problem correctly the whole problem lies in low productivity not so good quality not scalability at the same time not allowing the products to be globally competitive and that's the reason why it happens I fully agree with you so to address it fundamentally we are coming up with a new industrial policy that will be announced very soon my ministry has already finalized it interministerial consultation is over it will go to cabinet very soon the whole idea is to essentially target the issue that you have mentioned number 1 number 2 other part of the problem that you have correctly analyzed is not having standards because sometimes we say my product is the best but we must have the standards which can evaluate the quality not in an abstract way but in a real way to understand what quality really means so we have launched a major program for standards number 3 what you are saying is to ensure that the dumping doesn't happen we have created not only anti dumping authority but first time I must thank the prime minister that we have brought together various agencies where we had to aggrieved importer or aggrieved party had to go from one place to another you have amalgamated all those functions into one and you have created a unified authority to deal with that also at the same time whenever we find out that there is a dumping taking place we immediately take anti dumping measure to protect the domestic industry good example is steel now the steel production is going up steel industry is surviving because of that as far as agriculture products are concerned we do the same thing the black paper is a good example whenever there is a problem in the black paper when the imports are exceeding the requirement and that was causing problem to the domestic farmers we have taken those measures as far as the training is concerned what you are saying is right district by district when we do this district analysis which my good colleague and Mr. Dharmendra Pradhan's ministry does it they take into consideration all these issues but it's a dynamic process sometimes as you said mosquito nets may be a good idea after some time mosquitoes may disappear and so therefore we'll have to go into the other issue that try to do that so point no I understand I understand I am just saying so from time to time
We have to find out which is that industry which should need such a training and which we keep doing that. But at the same time, to also ensure this export that you mentioned, we have come out with a strategy how to increase India's exports by another $100 billion. Madam, I am happy to say that 17-18, our exports recorded the highest growth in the last 6 years. In the first few months, our records have been almost more than 20% on month-to-month basis. So our exports are also rising. In an atmosphere where the trade is becoming a challenging issue globally, you must be reading in the newspaper that we don't talk about war for territory, we are talking about war for trade. And in that context, India is doing and trying to do our best. But all your points are well taken. We'll definitely take them as an input to formulate a policy. Shivaji Adalra, okay. Existing institution that engineering colleges and polytechnics that you are finding the youth for. Thank you, madam. As minister has stated in his reply, that shortage of manpower, skilled manpower in the industry, particularly for manufacturing sector, is to the tune of 126 million. I'm really surprised. There are so many programs, so many training programs conducted under various schemes like PMKVY, DDU, GKY, NAPS, ITI. And in my constituency, one of the largest industrialization were in my Pune district. Many companies, like multinational companies, adopt the ITIs to give them proper training and give, according to their syllabus, take the employees. But the problem is, number of skilled workers, number of skilled employees have increased in Maharashtra, particularly in Pune district. You have shown that there is a shortage of 34 lakh in electronics and automobile sector, which is not a correct picture, particularly for Pune, because most of the companies, they employ people who has taken the training under PMKKY or NEEM. There is a scheme called NEEM, where high educated engineers are given salary of only 12,000. And no company, all majority of manufacturing company, multinational companies in Chakan MIDC or Pune MIDC, they don't employ people directly. They employ people only through NEEM, and they give only salary of 12,000 to 14,000. That is the maximum. So I would like to ask Honorable Minister whether there is any policy or control over the manufacturing sector, because they are taking disadvantage of the schemes and they don't give proper employment. 80% of the employees in our MIDC, where all the multinational companies are there, right from Mercedes to Volkswagen to GE or any other companies, they, on their role, on their salary, on their employee role, only 20% people are employed as a permanent employee. 80% people are taken on the contract of NEEM or Learn and Earn scheme. So there is something disparity, and government should look into this important factor and control, put a control on the company, but particularly manufacturing company who comes from abroad. प्रश्न भी लंबा पूछते हो, उत्तर और लंबा देना पड़ेगा, तो मैं तीन प्रश्नों के आगे जा नहीं पाऊंगी। थैंक यू मैडम, ये हमारे ही रिप्रेजेंट्स अ डिस्ट्रिक्ट व्हिच इज आल्सो वेरी मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट नॉट ओनली इन महाराष्ट्र बट आल्सो इन इंडिया, एंड आई थिंक ही हिमसेल्फ इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, सो ही नोज द प्रॉब्लम करेक्टली, सो आई एग्री विद यू. बट एट द सेम टाइम यू आस्क मी टू मेनी इश्यूज एंड ट्राई टू फाइंड अ exactly what you are conveying is, one, that there are too many people seeking jobs and therefore they are getting employment, what you are saying. But at the same time, you are saying they are getting salary not commensurate with their expectation. Possible. Number three, what you are saying is the private sector companies, and particularly the company that you mentioned, are coming to India. You should be happy for the fact that many companies, the name that you mentioned, are the Fortune 500 companies. They find it necessary to be in India to do this. The program that you mentioned is like an apprenticeship program. For some time they get the training. Eventually when they get trained, they will get higher salaries. That's always the wage is a function of demand and supply. The minimum wages is prescribed by the government from time to time. So that minimum wages every company is supposed to pay. In addition to that, what he gets depends upon the qualification, his performance and all that. But at the same time, as you have said, we look into this issue to find out whether there is need to have further improvement into policy.
ఎంకే రాఘవన్. గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ మేడం. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ అ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. The action of the DGCA under Civil Aviation Ministry is against the wishes of the Prime Minister. Madam, their air industry is growing very well and very much. India today has over 600 aircrafts. We are expecting another 1,200 aircrafts in future within 10 years, Madam. Madam, the DGCA is the agency for exam for the AME. Madam, unfortunately, the DGCA has now reduced the intake by half by permitting only 60 students against the existing 120 students. I would like to ask Honorable Minister through you, Madam, whether the Minister will take initiative to bring out advantage situation by discussing with all stakeholders, including DGCA, recognized institutes, etc. And if so, what are the modalities for the same? Thank you, Madam. Madam, as the honorable member knows, that India's civil aviation sector is the fastest growing aviation sector in the world. We are growing almost by 20%. We are adding new passengers every day, and therefore it's an exponential growth that we are experiencing. As a result of which, there is a need for huge trained manpower in this sector at all levels, for safety, for operations, for ground handling, and many others. So we have prepared a policy to find out how many such more people can be absorbed into this sector. We are actually accrediting training centers for doing this. As far as the Director General of Civil Aviation is concerned, this is not the only agency which recruits people. DGCA is a regulatory body. I am talking about a sector which is growing exponentially. Particularly the private sector in aviation is growing at a much, much faster rate than even what we could even imagine. And therefore, what you mentioned is not just 600. We may have to buy more than 1,000 planes in India. And madam, to make sure that it happens, we are already preparing manufacturing of aircrafts in India. We have started a task force under my chairmanship. We also set up a task force to manufacture drones in India so that we can benefit from it. So manufacturing will increase along with the increase in the volume of traffic, and that will also create jobs downstream. The whole idea is that even MRO facilities should be growing in India. Many of our aeroplanes go out for servicing or repairs. All of that can happen in India. So just imagine the number of jobs that will be created. So don't go by the number of DGCA, which is a regulatory body. In fact, we should be happy that the regulator is not increasing the number. If the regulator number increase, you may not be happy one day. So I think regulation should be such. We should be very quality regulation without having too many people trying to sitting on a judgment. So we are working on a very robust regulation, but not necessarily by having too many people. Thank you. Anil Chirole, short question, bilkul. Samay ho gaya. Thank you, madam. I want to ask honorable minister, through you, madam, have the government thought of crowdsourcing from the unemployed, entrepreneurs, farmers, and the like to assess the need for the jobs, to draw up an appropriate training program for training? Madam, the Skill Development Ministry is running a very ambitious program. As I said, 1 crore people to be trained. And one of the ideas is that government works with so many top-class institutions wherein they actually work as collaborators, as providers of key people. So therefore, this is a program. I will not call it really outsourcing program. It's a partnership program, a collaborative program which governments work with several institutions, including non-governmental organizations, including technical institutions, including state governments, including local state governments. Thank you. Question number 262, M.I. Srinivas. Not present. Not there. Nihal Chanji. 262. The reply has been placed on the table of the House. अध्यक्ष महोदय, मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने स्वदेश दर्शन और प्रसाद दो टूरिज्म की दृष्टि से दो योजना की शुरुआत की है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या केंद्र सरकार देशी विदेशी पर्यटकों के लिए, जो हिंदुस्तान के अंदर विदेशी पर्यटक आते हैं, उनके रुझान के लिए क्या क्या काम किए हैं। वैसे तो पर्यटक की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, लेकिन राजस्थान प्रदेश में अपनी संस्कृति और ऐतिहासिक इमारतों के लिए राजस्थान प्रदेश प्रसिद्ध है। उन यहाँ पे बहुत बड़ी एक स्वतंत्रता, बहुत बड़ी एक सैलानी यहाँ पे आते हैं,
उनके लिए शहीद, उनके लिए जो स्मारक बने हैं, जो खंडर अवस्था में पड़े हैं, उनको सुधारने के लिए सरकार ने कोई काम किया है क्या? क्या राजस्थान प्रदेश में प्रश्न प्रश्न एक एक प्रश्न दूसरा दे दूंगी। मैडम स्पीकर, 2017 has been extremely good year for Indian tourism. While global tourism has grown at about average of 5%, foreign tourist arrivals to India has increased by 14.4%, and the receipts from the foreign tourists have increased by 19.2%. So this is we are the highest growing tourism economy in the world. So we are doing extremely well, ma'am. In fact, last year, from foreign tourists, we had a receipt of $27 billion, which is equivalent to 1,77,584 crores. So that is an extremely large amount. Our share of global tourism is only 1.18%, while we have a receipt of approximately 1.88% from global tourism. We rank 25th in global tourism arrivals, but our revenue is, we are 13th in terms of receipt from foreign tourists. In Asia, we are 8th in rank of foreign tourist arrivals, but we are 7th in terms of receipts. So we are doing extremely well. So, Madam Speaker, we've been doing a lot of things to attract foreign tourists. In fact, this year, Madam Speaker, we have made 3 promotional movies. We have made 5 of them. 3 of them we have put into the social media. And cumulatively, we had 65 million views of these 3 promotional movies, 67 million. And so this is an incredible figure. I think we have beaten any other government in terms of promotionals, in terms of having global views. We hope that a lot of people who see these promotionals, they come and see India. Like the promotional, madam, on yoga, it has about 35 million views. The one on wildlife, it has got 45 million views. And so, yes, now, yes. As far as India is concerned, we have 67 projects in which we have put in 5,711 crores, and that is under Swadesh Darshan scheme. Under Prasad scheme, we have 24 schemes in which we are investing 727 crores. Now, as far as Rajasthan is concerned, ma'am, we have 4 projects under Swadesh Darshan. One is desert tourism, which was approved in 2015, and the completion period is 2 years. And this has an outlay of 63.96 crores. We have already released 46.96 crores. We have already released, and the project is completed now. 85% is complete. It's almost ready for inauguration. Second project is the Krishna Circuit. This has an outlay, Madam Speaker, of 91.45 crores. We have already released 41.78 crores have been released, and about 30% of the project has been completed. And the third one is a spiritual circuit at an outlay of 93.9 crores, and we have already released to the state 43.69 crores, and they have completed about approximately 15% of the project. And fourth one, Madam Speaker, is a heritage circuit with an outlay of 99.60 crores. Now we have already released 49.80 crores. Apart from this, we also have sanctioned one project under Prashad, which is an integrated development of Pushkar and Ajmer at an outlay of 40.44 crores, and we have already released 19.91 crores, and about 25% of the project has been completed. Now, for large revenue generating schemes, we have approved a project of 3.27 crores to the Rajasthan Tourism Development Corporation for making the luxury trains on wheels again. We have that is already been completed, so that complete amount has been released. And for fairs and festivals for Rajasthan, we have released 40 lakhs. So this is overall what we have done for Rajasthan. And if you have any more questions, I would be very happy to. Yes. Mahoday, main mananiya mantri ji se janna chahunga ki Rajasthan Pradesh ke simavarti kshetra mein shahid smarak hai, 3 shahid smarak hai. एक तो नग्गी, एक लखा हकम है और एक हिंदुमल कोट है। इसके साथ साथ राजस्थान प्रदेश में 8000 साल पूर्व मोहन जोदड़ो की सभ्यता जो कालीबंगा है, उसमें आपने 45 लाख रुपए 2015 में दिए थे, जिसका आज तक काम की शुरुआत नहीं हुई। एक कालीबंगा सभ्यता के लिए एक लेला मजनू की कब्र है जो सीमा पे है, उसका
उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? Madam Speaker, the process as I explained last time is very simple. Yes. We receive projects from the states and then we ask them to make a concept presentation before a committee headed by the secretary. And after that, of course, modifications would be made. We send it back to the state government to modify the proposal. And then it comes before our mission directorate, which is headed by the joint secretary. And these projects are again considered. And if it is approved by the mission directorate, Madam Speaker, it goes to the committee headed by the secretary. Now, this project, apparently, it has not been forwarded by the state government. Our process is very simple. It must be forwarded by the state government to us, and then we examine it. Even if I receive representations from honorable members of parliament. Yes. बस प्रश्न पे उप प्रश्न के निहाल चंद जी बैठिए निहाल चंद जी आपने प्रश्न दो पूछिए बैठिए अब सुनिए बाकी लोगों को पूछने दो यस ओके मैडम आई कैन आल्सो मैडम स्पीकर विद योर परमिशन आई कैन आल्सो इन्फॉर्म दिस हाउस व्हिच आर द पेंडिंग प्रोजेक्ट्स व्हिच आर कम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इफ यू गिव मी द अपॉर्चुनिटी नो व्हाटएवर यू हैव आंसर्ड हिम नो दैट्स ओके केबी थॉमस Kerala is known as the godson country. But when Ananda Kumar ji was the central tourism minister, and I was the tourism minister of Kerala, we started the model villages. And my native village, Kumbalangi, is known as the model village, which was inaugurated in 2002 by the then planning member, Sompal ji. One of the characteristics of these villages are the homestays, the honorable minister knows. I have got a house. I got one or two rooms vacant, I can give to the tourist to stay with me, take my food. So this is spreading throughout the country. Yes, that is one of the fast moving tourism sector. But unfortunately, this sector has to get the approval from the central government, the state government. Then there are tariffs differing from state to state. So my request to the Honorable Minister is, as this sector is fast moving, why don't the government of India monitor this sector? So that throughout the country, there is one regulation, and when applications are made for classification, it takes more than 6 to 7 months. Okay. And the tariffs are so high that these homestays cannot be run. Yes, so please, I request the Honorable Minister question. To monitor the short homestay question. System and make it a viable sure, project. Sure. Yes. Honorable Speaker, the Honorable Member has done fantastic work in his home village, Kumbalangi. It's gets very large number of tourists now, very large number of homestays. It's in Ernakulam, Cochin itself. Madam Speaker, there is a shortage in India of 200,000 rooms. That is mainly in the mid-segment. Not enough of investment is coming into the sector in the mid-segment. Of course, there's a lot of investment coming into the luxury segment, 4 stars, 5-star hotels. But the mid-segment, there's a shortage of rooms. So we are encouraging in a big way homestays. And it's extremely easy. In fact, you don't need any permission from the government of India for starting a homestay. But the state government has a system of registration. Government of India, we also have a system of registration, but it's not mandatory. Anybody who wants to register with us, it is fine. But the state government also has a system of registration, which I don't know whether it is mandatory or not. I think this is one thing which we are encouraging in a big way, because people come and stay home. They experience the cuisine, the culture, the locality, the flavor of the place. Yes, I think this is one of the best things that is happening. And Government of India and the Minister of Tourism, we are hugely encouraging homestays. Thank you. Farooq Abdullah. Thank you, madam, for giving me the honor of asking Minister. Two states of India, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir, are two important tourism states. Winter sport is one of the major growing events all over the world. And these two states offer skiing facilities in big way. I would request the minister to kindly visit these two states, particularly in Jammu and Kashmir, Sonamarg, which is the new emerging site for skiing. Would the minister inform the House whether he has any intentions of visiting these two states to see how we can promote skiing, which is supposed to be the cheapest in the world in India? Thank you. Madam Speaker, I haven't had the privilege of visiting J&K recently, but I have visited Arunachal Pradesh. And Madam Speaker, J&K has one of the largest number of projects sanctioned by the Government of India. Under Swadesh Darshan, we have sanctioned 6 projects worth
569 crore. This is the largest amount which has been sanctioned to any state. He is only inviting you to see and for skiing only. Otherwise, he is not interested. Okay. So you can go there. And at that time, Madam you Speaker, can go there. Yes, that's all. Madam Speaker, I could give the details of the project sanction in case the Honourable Member would like to have. Not necessary. You know yes. that he was Chief Minister. Madam Speaker, 70% of Himalayas is in India. Yes. We are promoting adventure tourism yes. in a big okay. way. So that's we are all. Doing everything necessary to promote skiing and adventure tourism. Thank you. Dushyant Chautala. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माननीय मंत्री जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि 1 करोड़ टूरिस्ट हर साल देश में आते हैं और 10 राज्यों के नाम दे दिए. मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जहां कृष्णा सर्किट की बात आती है, कुरुक्षेत्र एक बड़ी अहम धरती है जहां पर ज्योतिषर जैसा एक पावन तीर्थ है और साथ में ब्रह्म सरोवर है. उसके साथ हमारे पास पानीपत है जहाँ 3 युद्ध लड़े गए. उसके साथ अगर अग्रोहा के अंदर अग्रवाल समाज का सबसे बड़ा धाम है. इसी प्रकार से राखीगढ़ी एक ऐसी हेरिटेज साइट है जो कि 8000 साल पुरानी कार्बन डेटिंग जिसकी प्राप्त करी गई. हमने निरंतर इस सदन के अंदर चर्चा भी करी, ये मांग भी उठाई कि उसको डेवलप किया जाए. महेश शर्मा जी भी बैठे हैं, इन्हें 3 बार इस सदन में आश्वासन दिया कि कमेटीज बनेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इन साइट्स की डेवलपमेंट के लिए कदम उठाएगी. मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि निरंतर हरियाणा सरकार से भी आपके पास लिखित तौर पर भी आया है, मैंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर ये मांग करी थी कि राखीगढ़ी जैसी हिस्टोरिक साइट को डेवलप किया जाए, कुरुक्षेत्र को डेवलप करने की योजना. तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने आज तक कोई कमेटी बनाई है जो राखीगढ़ी की डेवलपमेंट के लिए और जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम करेगी, और आपकी सरकार ने कुरुक्षेत्र के लिए आज तक कितने फंड दिए उसका भी जरूर वितरण आप देने का काम करें. धन्यवाद. Madam Speaker, we have approved one project under Swadesh Darshan for Haryana, which is development of tourist places related to Mahabharata in Kurukshetra, which is under the Krishna circuit. Yes. I would like to also inform the Honorable House that under the Krishna circuit, we have approved 2 projects worth 188.8 crores. That we have approved under the Ramayana circuit, 2 projects worth 202.76 crores. Under the Tirthankar circuit, we have approved 1 project worth 780 crores. Now, regarding Haryana, if the Honorable Member would like to know the names of the projects which are pending with me, Madam Speaker, if you give me a couple of minutes, I can explain that in the House. One, heritage. This is development of heritage circuit, Rewari, Mahendragarh, Maldogarh, Narnol. I hope I'm pronouncing it right, hopefully. Yes. And two, it's Krishna circuit, development of Gita, Gyan Sanstan in Kurukshetra. That's number two. Number three is Krishna Circuit 2. This is development of Kurukshetra under Krishna Circuit 2. And Heritage Circuit, development of tourism places of Sheikh Musa, situated at Mewat District, New Haryana. And fifth one is Krishna Circuit 3, development of tourism infrastructure at places related to development of tourist places of Pandav Mandir, situated at Nalhar Atnu in District Mewat. Okay. And sixth one is a Buddha circuit, construction of Ashoka Edix Park, Topra Kalan Block, Rador, District Yamunanagar. So these are the 6. Thank you. Well, yes, no, yes, it is yes. not. It is not in the list of projects which have been forwarded to us by the state government. Yes, thank you. Thank you. Question number. Yes, well, Minister. This is Minister, see, not like this. Madam not Speaker, like this. Madam but Speaker, you have answered each question. Madam that's Speaker, all. I have the information regarding okay. all the pending projects. Thank These you. Are the 6 pending projects with the Government of India. Thank we do you. Not have any other pending projects. Thank you. Question number 263, 18 Nana Patil. Question number 263. Yes, Minister. Lay the Madam answer. Statement is laid on the table. Yes. Supplementary. Is there supplementary? Yes. मेरा प्रश्न का मूल जवाब मंत्री जी ने दिया है. जो महोत्सव
इनके आधार पे झारखंड और महाराष्ट्र राज्य के लिए कुछ निधि उपलब्ध कराई गई है क्या? मगर मंत्री जी के जवाब में महाराष्ट्र राज्य के लिए ऐसा कोई भी निधि प्राप्त नहीं हुआ है, इसका कारण महाराष्ट्र राज्य से कोई भी उनका प्रस्ताव नहीं आया था महोत्सव के लिए। अध्यक्ष महोदय, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पिछले 4 सालों में हमारी सरकार ने बहुत सारा अच्छा काम किया है और उसके पर्यटन को बढ़ावा दिया है, उसका अच्छा परिणाम भी दिख रहा है, जैसे कि स्वदेश दर्शन योजना हो, प्रसाद योजना हो। ये योजना के बारे में माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि पर्यटन में विदेशी मुद्रा अर्जित के साथ रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन क्षेत्र में देश को विश्व मानचित्र पर प्रतिष्ठित करने के लिए नए उपाय करने की आवश्यकता भी है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज की स्थापना की, उन्होंने स्वराज रक्षा के लिए कई गढ़ दुर्ग किलों का निर्माण किया है। आज ये उपेक्षित है। इन किलों के पुनरुद्धार करके एक दुर्ग पर्यटन की योजना बनाई जा सकती है। जैसे कि चीन में टेराकोटा हो, इजराइल में हाइपा जैसे युद्ध स्मारक है, उसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल के गढ़ दुर्ग किलों को पुनरुद्धार कर उनके माध्यम से पर्यटन दुर्ग योजना शुरू करने का सरकार का कोई इरादा है? Madam Speaker, for fairs and festivals in Maharashtra, we have given them 50 lakhs. One was for the Kalidas festival, 25 lakhs. The other was for the Elephanta festival, 25 lakhs. Government of India, our ministry has disbursed 99.99 crores for fairs and festivals all across the country. If honorable members are interested in getting the details, I could come out, but it's many, many pages. It would take long time. Madam Speaker, we have approved two projects in Maharashtra under Swadesh Darshan scheme, which is worth 136 crores. The first project is a coastal circuit, which is at 82.17 crores. And we have already disbursed 12.79 crores, which is, and they have spent about 20% of the amount. There were some problems with the Coastal Regulation Act. That is why there was a delay in implementation of the project. The second one is a spiritual circuit at an outlay of 54.01 crores. And this is for development of Waki, Adasa, Dapewada, Parat Singha, Chota, Tajbagh, and Telankari, and Girard. So this is under implementation, approved only in 2017-18, with a project time of around 24 months. And under Prashant scheme, Madam Speaker, we have approved a scheme for development of Trimbakeshwar at an outlay of 37.81 crores. And this has just been approved, so no money has been released yet. And under central assistance to states, we have funded three projects. One is development of Kanoji Angre Lighthouse, that area at an outlay of 15 crores, and that has been completed. And second project is this is modernization of the port in Mumbai to receive larger cruise vessels. And we have dispersed 12.5 crores, and that work is going on. Okay. Madam Speaker, if you don't want me to complete, it's fine for me. I can give you more details. No. He want only whether fault linkage is there. That's all. Second question. अध्यक्ष महोदय, पर्यटन मंत्रालय द्वारा चला जा रही स्वदेश दर्शन योजना हो या प्रसाद योजना हो, इन माध्यम से महाराष्ट्र राज्य के लिए कौन सी जगह इन्होंने ये राशि उपलब्ध कराई गई है, और इसके आगे महाराष्ट्र राज्य के लिए और कोई राशि उपलब्ध कराने की इनका विचार है? जो बहुत सारे प्रपोजल इनके पास दिए हुए, मैंने भी मेरे 3 प्रपोजल दिए हुए, उसमें वो प्रपोजल का अभी तक जवाब नहीं लिया, इसीलिए मैंने प्रति प्रश्न पूछा है। Maharashtra se have you got any proposal? I myself had visited the Raiga fort or Chhatrapati Shivaji, it's a hugely impressive fort, and we are asking an international, getting an international consultant do a study of the fort to see what else can we do. Madam Speaker, yes. Now there are 9 more projects which we have received from the government of Maharashtra. Yes. These are under consideration. Madam Speaker, if you like me to give the details of those no, projects, no, not necessary. Give him detail to me. Sri Sunil Kumar Singh. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं
कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने का अवसर दिया है। भाई उनका नाम है इसमें झारखंड। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार और माननीय मंत्री को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने महोत्सव के दृष्टि से झारखंड का इटखोरी जो मेरे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में आता है उसे केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके लिए भारत सरकार और पर्यटन मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि झारखंड, आप सबों को पता है कि झारखंड राज्य को प्रकृति ने अप्रतिम सौंदर्य और असीमित पर्यटन स्थलों से नवाजा है। जंगल, पहाड़, घाटी, झरने, वन्य प्राणी, इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के धनी झारखंड धरती पर एक स्वर्ग के हिस्से के रूप में खड़ा है। मैं विशेष रूप से अपने पार्लियामेंट्री क्षेत्र में नेतरहाट, बेतला और उसके साथ जो जुड़े हुए अनेकों फॉरेस्ट हैं, मैं इनका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि नेतरहाट को हम ये कह सकते हैं कि पुराने बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का वो स्विट्जरलैंड है। सालों भर पर्यटक आते हैं लेकिन पर्यटन के दृष्टि से कोई आधारभूत संरचना वहाँ विकसित करने का कोशिश नहीं किया गया। उसी के साथ साथ बेतला नेशनल पार्क 1973 से पलामू टाइगर रिजर्व के रूप में वो नोटिफाइड है, लेकिन पर्यटन के दृष्टि से, इको पर्यटन के दृष्टि से बहुत कुछ वहाँ नहीं किया जा सका। लेकिन उसी के साथ साथ जो इटखोरी जिसको इन्होंने 25 लाख रुपये दिए हैं, वो इटखोरी और कौलेश्वरी ये दोनों जैन, शाक्त, सेव ये तीनों का संगम है। उन्हीं के साथ साथ बौद्धिज्म और जैनिज्म के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कौलेश्वरी में बौद्धिस्ट मिशन ने, मैं केवल बौद्धिस्ट 13 बौद्धिस्ट मिशन ने विश्वविद्यालय खोलने की बात की, तो मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहूँगा कि आने वाले समय में इटखोरी और कौलेश्वरी के साथ साथ नेतरहाट, बेतला को लेके भारत सरकार की इको टूरिज्म के दृष्टि से क्या योजना है, क्योंकि मैंने आदरणीय मंत्री जी और इनके पूर्व मंत्री को बार बार पत्र लिखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय एक इसके साथ छोटा सवाल, आज सोमवार है, बैजनाथ धाम देवघर वो प्रसाद योजना में शामिल है और 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना लिंग के रूप से प्रसिद्ध है, वहाँ भी प्रसाद योजना के तहत पैसे अभी तक जो अलॉटमेंट है उसकी राशि नहीं गई है, तो मैं उसकी भी जानकारी चाहूंगा कि वो कब तक होगा और नेतरहाट, बेतला और इटखोरी को लेकर क्या योजना। मैडम स्पीकर, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट दिस मॉर्निंग आई हैव साइंड अ फाइल सैंक्शनिंग अ प्रोजेक्ट अंडर स्वदेश दर्शन फॉर झारखंड विच इज वर्थ 52.72 crores. And this is Batla National Park, Dalma, Chandil, Jetalsud, Mursaya and Netherhart. So I think the honorable member and all the members from Jharkhand possibly would be very, very happy about Thank this. You. Yeah. Yes. Sir, Dhruva Narayan. Thank you, madam. Madam, concerned with tourism, my constituency is Chamrajnagar, south interior of Karnataka. Having many tourist destination, having two tiger project and two national parks and two falls, Vaganikal Falls and Barachukki comes under my constituency. And even central archaeological monuments called Talkad and Somnathpura. Yes. Madam, we are lacking basic facilities. In this connection, government of Karnataka has sent a proposal called Mega Kaveri Tourism Circuit on 19-3-2015. But still today, we have not received any money and you have not accepted our Mega Kaveri Circuit project. Yes, yes. I urge upon the minister give positive reply to my question. Thank you, madam. Actually, question is only for Jharkhand and Maharashtra. Madam Speaker, I always try to be very, very positive, whatever are within the limitations we have. We try to approve every project. Madam Speaker, we have one project under Swadesh Darshan which is being implemented now in Karnataka. This is development of coastal circuit in Dakshin Kannada district, Uttar Kannada district and Udupi district in Karnataka. Which is, this outlay is 95.67 crores. We have already released 19 crores. We have three projects which have been forwarded by the state government
which are now under the consideration of the ministry. Madam Speaker, if you like me to give the details of those, I can give because the honourable member had asked about a specific place. So if I inform, the honourable house, which are the projects which are pending, possibly this would be one of the places which are under consideration. First is a spiritual circuit. This is development of Jain spiritual circuit at Mandargiri, Tambalahali. These places are a little complicated, okay. So it's difficult for me to announce. Okay. Second is an eco-tourism project, development of eco-tourism circuit in Uttar Kannada, Dakshin Kannada. Then third one is a heritage circuit in Bidar, Gulbarga, and Yadgir. Madam Speaker, these are the only three proposals which we have received from the state government. Thank you. Jai Prakash Ji, kya hai? Bihar mein kya hai tourism? अध्यक्ष महोदय, आपने पर्यटन पर बोलने का अनुमति दिया। हाँ, बोलो। मैं माननीय बोलना नहीं, खाली एक प्रश्न पूछो। जी बस, मैं माननीय मंत्री पर्यटन से जानना चाहता हूँ कि बिहार और बिहार में बांका, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा में घरेलू और बाहरी पर्यटकों को लुभाने की अपार संभावनाएं हैं। ठीक है। मंदार रोपे, विक्रमशिला, सीताकुंड, अशोक धाम, ऋषिकुंड, सिग्नी ऋषि, लछुआ और ऐसी कई जो है, क्या मुंगेर सर्किट बना करके राशि उपलब्ध कराना चाहते हैं कि ताकि जो पर्यटकों को लुभाया जा सके उन क्षेत्रों में। ठीक है। Have you got any proposal? Madam Speaker, this project to create a Buddhist circuit on Nalanda, Bodhgaya, Rajgir, Vaishali, has been forwarded by the government of Bihar to the government of India. It's under consideration. But may I inform the House also that we have five projects under Swadesh Darshan, which is under implementation in Bihar, which is one of the largest in number, with an outlay of 301.61. No, I already informed. This is that the project which you have mentioned, that is Nalanda, Bodhgaya, Rajgir, and Vaishali, that project under the Buddhist circuit, that is under the consideration of the government of India. Thank you, thank you. Chandrakant Khaire, Maharashtra se prashna isliye. Main ye janna chahta hu, mantri se ye janna chahta hu ki mere kshetra mein Ajanta Ellora World Heritage Center hai. Aaj Ellora festival hum log kai saalon se, kai varshon se karte hain. लेकिन एलोरा फेस्टिवल के लिए अजंता महोत्सव के लिए दिए नहीं देते नहीं पैसे दिए हैं नहीं देते नहीं पैसे और वो बंद हुआ, दो साल से बंद हुआ। मैं आप मंत्री जी से जानना चाहूँ, मंत्री जी उधर, मंत्री जी सुनिए, आप अजंता एलोरा कभी गए क्या? अजंता, हाँ, तो अजंता एलोरा में एलोरा फेस्टिवल हम लोग कई वर्षों से करते थे, लेकिन अभी दो साल से बंद हो गया। इसलिए मैं क्योंकि मेरा क्षेत्र जो है महाराष्ट्र का कैपिटल है टूरिज्म का, और इसके लिए मैं विनती करूंगा आपके माध्यम से मंत्री जी को कि एलोरा फेस्टिवल जो होता है उसके लिए अच्छे धनराशि दे के महोत्सव अच्छी बड़ी प्रमाण, क्योंकि देश विदेश के पर्यटक वहाँ आते हैं। Madam Speaker, I have visited Ajanta Ellora in detail as an IAS probationer. It's one of the monuments whom I admire a lot. Now, Madam Speaker, we shall provide whatever assistance is required if there is a festival. We don't have a problem. They can forward it to a state government. We will provide an assistance of 25 lakhs. This is not a problem at all. We will do that. Now, Madam Speaker, if you will allow me to kindly mention also the projects which we are implementing in Maharashtra. There are two projects under Swadesh Darshan which we are implementing. One is at an outlay of 82.17 crores. This is development of coastal circuit in Maharashtra. And second one is at outlay of 54.01 crores. This is development of Waki, Adasa, Dappewada, Parasinga, Chota Rajbagh, Telakandi, and Jirad under spiritual tourism. Now, there are 9 proposals which have been forwarded by the government of Maharashtra before us. And as I said earlier, we shall consider all these projects, all the projects which are received from all the states on the similar footing, and whatever is feasible, we shall approve. Thank you. Question number 264, Dr. Kirit Soli. Question number 264, madam. Yes, minister. Sir ji, Uttar Sadan ki patal pe. Prashna puchiye. Dhanyawad madam, aapne mujhe anumati di hai prashna puchne ki. पहले मैं मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत विस्तृत से जवाब दिया है। भारत पूरे विश्व में युवा देश है और हमारे लोगों में कौशल विकास और हुनर हमारे लोगों में भरा पड़ा हुआ है, और इसीलिए कई वर्गों को हम
विश्वकर्मा के नाम से हम जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की ने जो हुनर और स्किल इंडिया भाषण की भूख प्रश्नकाल में क्यों तो ऊंचे करते मैडम पूछता वही प्रश्न पर तो मैं आता हूं मैडम। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी को स्किल डेवलपमेंट को पहचाना और बहुत ही मजबूत तरीके से इस स्कीम को लागू किया है। स्किल डेवलपमेंट योजना को प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक करीबन 500 मिलियन वर्कफोर्स जो स्किल डेवलपमेंट और हुनर में है वो तैयार करने का उन्होंने मंसूबा किया है और इसके लिए बहुत सारी योजना की गई है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये 500 मिलियन वर्कफोर्स को करने के लिए हमारी सरकार ने क्या योजना बनाई है, आने वाले समय में किस किस माध्यम से हम इस लक्ष्य को हम अचीव करेंगे। अध्यक्षा जी, आदरणीय सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा था वो जर्मन के साथ क्या वही मैंने कहा और अब जनरल पे जा रहे हैं। प्रश्न को बड़ा व्यापक किया है पूरे विश्व को आगोश मैं उनकी प्रश्न को आदर से स्वीकार करता हूं। उनको लिखित उत्तर जो उपलब्ध है उस संबंध में उनको हम देंगे। थैंक यू। सेकंड प्रश्न मैडम, हमारे जो इंडो जर्मन हमारा जो हुआ है इसमें जर्मन सिस्टम है, इट्स ए ड्यूअल सिस्टम जर्मन सिस्टम। उसमें वोकेशनल एजुकेशन यानी कि थियरी और प्रैक्टिकल के माध्यम से करना आगे जाना है। हमारे मंत्रालय ने 3 बेंगलोर, महाराष्ट्र और राजस्थान को चिन्हित किया है क्लस्टर के तौर पर। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आने वाले समय में कोई और क्लस्टर बढ़ेगा और गुजरात में अहमदाबाद में वो क्लस्टर होगा। अध्यक्षा जी, जर्मन और भारत की स्किल सेक्टर में कोऑपरेशन बहुत पुरानी है। हमारी कई सारे जो आईटीआई की कल्पना जर्मन को दिखते हुए 50 दशक 60 दशक से ही शुरू किया गया है, लेकिन हमारे देश में आईटीआई हो या आज के दिनों में शॉर्ट टर्म स्किल इकोसिस्टम हो, इसमें धीरे धीरे हम लोग डुअल एजुकेशन मॉडल को जोर देने लगे हैं। जैसे ही सदस्य ने कहा कि अभी की सरकार और जर्मन की सरकार के साथ अनुबंध के कारण 3 क्लस्टर अभी डेवलप किया जा रहा है, अभी मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहूँगा, भारत सरकार की संस्था NSDC, भारत की व्यवसायिक समूह CII और जर्मन की इस प्रकार के संस्था GIZ मिलके भारत में स्किल कनेक्ट की रोड शो करने वाले हैं। मूल उद्देश्य ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम को भारत की सभी राज्यों में ले जाया जाए। अहमदाबाद में हम लोग जाएंगे रोड शो करने के लिए। के विश्वनाथ राव, विश्वेश्वर रेड्डी, सॉरी के विश्वेश्वर रेड्डी। थैंक यू मैडम। ओनली अबाउट इंडो जर्मन, यस मैडम, जर्मनी इज नोन फॉर वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड हाई प्रेसिशन प्रोडक्ट्स एंड दे स्किल्ड वर्कफोर्स मैडम, but their skilled workforce, they are honed through apprenticeship system, not 40-45 day skill development system, madam. Okay. Now in this Indo-German vocational and educational training system, the focus is on skills, madam. Skills do not produce high quality workforce. In fact, only the apprenticeship system, which are minimum 1 to 5 years, madam, as opposed to 40 day skill development system. Yes. Every product, madam, of globally competitive products, whether the French wines or the Swiss watches or the Japanese knives, all of them are through apprenticeship system, madam. Through the current skill development system, we are ensuring low quality workforce with low quality skills, madam. So in the Indo-German partnership, why are we not focusing on apprenticeship system and focusing on short-term skills courses, madam? Yeah. Adhyaksha ji, Indo-German system ek model hai. भारत सरकार, मैं आपको आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी जब से कार्यभार संभाले हैं, जैसे कहा गया है कि हमने प्राथमिकता दिया है स्किल को, 10,000 करोड़ रुपया की व्यवस्था करके देश में अप्रेंटिसशिप मॉडल टाइप हो, भारत सरकार की विभिन्न व्यवस्था, राज्य सरकारों की विभिन्न व्यवस्था और भारत की निजी क्षेत्र उस अप्रेंटिसशिप सिस्टम के लाभ ले, इसलिए 10,000 करोड़ रुपया की वित्तीय प्रबंधन किया गया है। उसको हमने जो इंडो जर्मन मॉडल है, भारत की उद्योग समूह, भारत की राज्य सरकारें,
भारत सरकार तीनों संस्था मिलकर हम अप्रेंटिसशिप मॉडल को ले जाया जाए जिसमें गुणवत्ता वाले स्किल मैन पावर निकल के आएंगे, उसी दिशा में सदस्य जैसे कह रहे हैं उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 265 राजेश कुमार दिवाकर। क्वेश्चन नंबर 265 यस पूछिए। मैडम माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्नों का उत्तर दिया है मैं उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, परंतु मैं अपने संसदीय क्षेत्र हाथरस में आयोजित कार्यशालाओं संगोठियां और प्रदर्शनियां सांस्कृतिक मेले आदि में सूची में इसका नाम नहीं है। महोदया मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में हाथरस के काका हाथरसी विश्व प्रसिद्ध कवि रहे हैं, क्या सरकार वर्तमान में उनके नाम से कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाने की योजना बना रही है या भविष्य में बनाने की विचार रखती है? सांसद ने जो विषय उठाया है वह हमारे नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चर सेंटर इलाहाबाद के अंतर में आता है, और अगर माननीय सांसद से कोई प्रस्ताव इलाहाबाद सेंटर के माध्यम से आता है तो मैं प्रस्तावित करूंगा कि काका हाथरसी एक मशहूर शख्सियत रहे उनके नाम पर इस उत्सव के लिए धनराशि अवमुक्त की जाए। करो प्रस्ताव बनाओ आगे। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में ब्रज क्षेत्र जो कि 84 कोस में स्थित है यह हाथरस में दाऊजी महाराज का प्रसिद्ध मंदिर है और यह मंदिर मथुरा वृंदावन के तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ मेले में प्रत्येक सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री उनकी सहभागिता रही है। यहाँ पर स्थानीय कलाकारों द्वारा लोक गायक जैसे रसिया मलार स्वांग आदि का बेहतर प्रदर्शन किया जाता है और इसमें हमारे पुराणों एवं ग्रंथों के साथ साथ इतिहास के उन पहलुओं को छुआ जाता है जिनसे हमारी आज की नई पीढ़ी वंचित है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन कलाकारों के लिए राज्य सरकार या राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है, ऐसे कलाकारों की संख्या भी कम होती है, क्या सरकार दाऊजी मंदिर के साथ साथ मथुरा वृंदावन के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए इन कलाकारों को प्रोत्साहन हेतु प्रतिभा मानदेय देने का कोई प्रावधान है? अध्यक्ष जी ब्रज संस्कृति और कला पूरे विश्व विख्यात है और भारत सरकार का पर्यटन मंत्री जी ने भी यह जवाब दिया है कि कृष्णा सर्किट के माध्यम से और संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से इन सभी आर्टिस्टों को हम अपने कल्चरल फंक्शन ग्रांट स्कीम के माध्यम से आर्टिस्ट पेंशन योजना के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से इनको लगातार ऐसी सुविधाएं देते रहते हैं। और कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया जो हमारा एक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, करीबन 490 करोड़ की योजना है, इसमें हम लोगों ने ब्रज क्षेत्र को विशेष तौर पर सम्मिलित किया है। थैंक यू। क्वेश्चन आवर इज ओवर। माननीय सदस्यगण अरे शाम